एक्सप्रेस रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ रणदीप। तो सबसे पहले लिए चलते हैं आपको दवाड़ा के सोसाइट। मानसून के सक्रिय होते ही किसान अपने परंपरागत खेती में लग चुका है और साथ ही सक्रिय हो गए हैं अमानक बीज के विक्रेता जो किसानों को अमानक बीज बेच रहे हैं। सौसा क्षेत्र सफेद सोने के बंपर उत्पादन के लिए जाना जाता है। सक्रिय होते ही क्षेत्र का किसान अपने परंपरागत कृषि में लग गया है, साथ ही इसके अमानक बीज के विक्रेता भी होने वाले किसानों को अमानक बेचने की जिम्मत में लगे हुए। इस अमानक बीज से किसान को लगता है कि बंपर उत्पादन होगा, ऐसा लगता है किंतु यह सत्य नहीं है। अमानक बीज मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म करता है, साथ ही इसमें पैदा होने वाले घास जानवर खा ले तो बहुत ही तैयार हो जाते हैं और मनुष्य के शरीर पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, किंतु इस बीज पर मार्जिन अधिक होने से विक्रेता इसे बेचते हैं। वही जिम्मेदार विभाग का इस विक्रेताओं पर कोई खास प्रभाव न होने से इनके हौसले बुलंद है। जिम्मेदार विभाग केवल ऐसे विक्रेताओं को खानापूरी कर कार्रवाई करते नजर आते हैं। फिलहाल तो अधिकांश बीज विक्रेताओं ने अपने दुकानों में अमानक बीज न मिलने के और टांग दिए। अब देखना है कि जिम्मेदार विभाग पर्यावरण और किसान को बचाने के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। अमानक बीज विक्रेताओं पर प्रशासन के जिम्मेदार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे जिसके कारण इनके हौसले बुलंद है। देखना है कब तक जिम्मेदार इन पर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं। कौशल से एक्सप्रेस रिपोर्टर मीनेश दारपुरे। जिले के बंडनगर तहसील में नयापुरा स्थित डूब क्षेत्र में रहने वाले गरीब वर्ग के मजदूर लोग हो रहे परेशान, प्रशासन नहीं दे रहा इस ओर ध्यान। बंडनगर डूब क्षेत्र में किसान गरीबों मजदूरों की समस्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ ना तो कोई प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे रहा है ना ही जनप्रतिनिधि इनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। हर समय हर वर्ष इन्हें इन समस्या का सामना करना पड़ता है और इन्हें शासन नहीं दिया जाता है, इनकी स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती है और ये डूब क्षेत्र में हमेशा डूब जाते हैं और अन्य क्षेत्र में जाकर इन्हें रहना पड़ता है। लेकिन इन्हें यहाँ बसाने से पूर्व प्रशासन ने इस व्यवस्था की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है जिससे इनकी समस्या बढ़ी हुई है और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की है। तहसील के जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के लोग इस ओर क्या ध्यान देते हैं और इन गरीब लोगों की किस प्रकार मदद करते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर उज्जैन विजय निमा। धर्मनगरी चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में 10 दिन पहले मिली ठाकुर जी की बेशकीमती मूर्ति मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुर्खियों में आने के बाद अब दोनों राज्यों की पुलिस तथा कथित अर्थ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए No. 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहाँ मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well-qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय university. Courses offered engineering, pharmacy, management, agriculture. धर्मनगरी चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में 10 दिन पहले मिली ठाकुर जी की बेशकीमती मूर्ति मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुर्खियों में आने के बाद अब दोनों राज्यों की पुलिस तथा कथित अष्ट धातु की मूर्ति की तलाश में जुट गई है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। मंदाकिनी सफाई के दौरान नाभिकों को मिली मूर्ति का राज फिलहाल नाभिकों और नयागांव पुलिस के बीच रहस्य के घेरे में छिपा हुआ है। मंदाकिनी नदी में मिली मूर्ति के मुख्य सूत्रधार नाभिकों के मुताबिक मामला 2 जून का है। नया गांव के उड़ा मोहल्ले के कुछ नाविक मंदाकिनी सफाई में जुटे हुए थे, तभी अचानक 15 किलो वजनी एक मूर्ति उनके हाथ लग गई, लेकिन शोरगुल के डर से नाविकों ने मूर्ति पानी में ही छिपा दिया। इसके बाद मौका पाते ही वे मूर्ति को घर ले गए। नाविकों का कहना है कि मूर्ति को नया गांव पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि नया गांव पुलिस ने मूर्ति मिलने की बात से इनकार कर दिया है।
मंदाकिनी नदी में रहस्यमयी तरीके से मिली मूर्ति को लेकर अब यूपी पुलिस भी सक्रिय हो गई है और मूर्ति की तलाश में जुट गई है। अब देखना यह है कि मंदाकिनी नदी में मिली मूर्ति का क्या रहस्य है। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। कोरबा वन परिक्षेत्र के ग्राम कोरबा में किसान के घर हाथी आ भूका। इस दौरान ग्रामीण दस्तक में आ गए और अचानक हाथी आंगन पर बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलते वन विभाग मौके पर पहुंची। कोरबा के खुदबुरा रेंज के गुरमा गांव में किसान के घर हाथी अचानक घुस गया और आंगन में बेहोश होकर गिर पड़ा। छटपटाते देख ग्रामीण दहशत में आ गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी। घंटों मशक्कत के बाद हालत अब खतरे से बाहर है। पशु चिकित्सकों की टीम ने समय रहते इलाज शुरू कर दिया। पूरे घटनाक्रम पर कलेक्टर किरण कौशल सहित वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रही। वहीं बिलासपुर से पहुंचे सीएम सहित डीएफओ डॉक्टर और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहे। पशुधन विकास विभाग के उपसंचालक डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि 7-8 वर्ष का नर हाथी अपने झुंड से भटक कर गुलमा गांव घुस गया था। इसकी तबीयत पहले से ही कुछ खराब होने का अंदेशा पशु चिकित्सकों ने किया है और बताया कि इस छोटे हाथी के गांव में भीड़ भाड़ के कारण बाहर निकलने के प्रयास में तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। रायपुर और बिलासपुर से एक विशेष टीम को बुलाया गया जहां उसका उपचार जारी है। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। 15 जून से खुलेगा कान्हा नेशनल पार्क। पर्यटकों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के संक्रमण के कारण पर्यटकों के लिए बंद था अब तक नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क में 15 जून से सफारी शुरू की जा रही है। पर्यटक और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को इस दौरान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सफारी के लिए ऑनलाइन टिकट सुविधा पहले की तरह शुरू की जा चुकी है। प्रबंधन द्वारा पार्क भ्रमण में जाने वाले वाहनों के लिए विशेष रूप से सैनिटाइजर स्थल का निर्माण किया गया है। यह स्थल से सभी वाहन इस 6 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा और 12 सेंटीमीटर गहरे स्थल से गुजरने के बाद ही पार्क में प्रवेश कर सकेंगे। डिप्टी डायरेक्टर के पत्र अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य ने कान्हा नेशनल पार्क के बालाघाट जिले में आने वाले मुख्य प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सक और उनके स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है। बालाघाट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राजकोमल सिंह। प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 113 नया पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 84 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है तो 113 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है, जिसमें से कोरबा से 44, बलरामपुर से 28, जांजगीर चांपा से 14, दुर्ग रायगढ़ से 6, बलौदाबाजार से 3, गरियाबंद बिलासपुर व जसपुर से 2-2 मरीज सामने आए हैं। इस दो मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 715 लोग कोरोना के जंग जीत चुके हैं। कोरोना के एक्टिव ग्रुप मरीजों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है, वहीं कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1652 हो गई है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक उन लोगों की मौत हुई है जो पहले से किसी अन्य तरह की बीमारी से संक्रमित है। फिलहाल जितने भी मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई प्राण घातक नुकसान नहीं है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यराजपुर। मनावर बरसात होते ही सीसीआई ने खरीदी करीबन। किसानों का कपास नहीं बिकने से किसान हो रहे परेशान। मनावर किसानों ने 4 दिन पूर्व मनावर बड़ौदा मार्ग पर किसानों ने सिंगाना मंडी के सामने कपास खरीदी नहीं करने को लेकर चक्का जाम किया था, क्योंकि सीसीआई ने बरसात होते ही दूसरे दिन किसानों को बताए बिना कपास खरीदी बंद कर दी थी, जो आज तक किसानों का कपास नहीं बिका और बरसात चालू हो गई। किसानों के पास पैसा नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष की कपास की उपज घर पर पड़ी है। अगली फसल के लिए खाद बीज खरीदने को किसानों के पास पैसा नहीं, कैसे करेगा अगली फसल की तैयारी। अब सरकार इन किसानों की उपज को कब तक खरीदेगा या किसान ऐसे ही परेशान होता रहेगा। मनावर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशोक पाटीदार। आज से सराफा व्यापारी शाम 7 बजे बंद करेंगे दुकान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। इस मामले में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष फरक मालू ने बताया कि आज से यह फैसला लिया गया है, तमाम दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसका सभी ने सहयोग भी किया है। बता दें कि राजधानी में सराफा की करीब 1500 दुकानों को आज शाम 7 बजे बंद किया जाएगा। परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रायपुर के सभी सराफा व्यापारियों ने यह फैसला लिया है।
इतना ही नहीं सराफा व्यापारियों के द्वारा रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का भी फैसला लिया गया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। बड़वारा थाना क्षेत्र के महानदी में अज्ञात युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। मामला बड़वारा थाना क्षेत्र के सकरीगढ़ महानदी रेलवे घाट का, जहां आज सुबह स्थानीय लोगों को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में नदी के भीतर पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने शव की जानकारी बड़वारा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से लाश को बाहर निकाला। साथ ही पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को बड़वारा पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि मृतक की बॉडी देखकर लगता है कि पानी में डूबने से ही युवक की मौत हुई है। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच लगातार क्षेत्र से मौत की खबरें कहीं न कहीं क्षेत्रीय जनता के भीतर भय का माहौल पैदा कर रही है। फिलहाल बड़वारा पुलिस इन सारे मामलों पर छानबीन कर रही है। बड़वारा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। ग्वालियर में हर साल आयोजित होने वाला रानी लक्ष्मीबाई बलिदान मेला कोरोना के चलते इस बार वृहद स्तर पर नहीं होगा। इस बार बलिदान मेला का स्वरूप काफी छोटा रहेगा, लिहाजा 17 जून की शाम को झांसी के किले से बुंदेलखंडी युवा अमर ज्योति लेकर आएंगे। पूर्व मंत्री एवं मेला के संस्थापक जयवान सिंह पवैया पड़ाव से रैली के रूप में अमर ज्योति को लेकर आएंगे, जिसे वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद शहर के लोग समाधि स्थल पर दीपदान कर रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 18 जून की सुबह पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बलिदान मेले के आयोजक पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया 4 घंटे के लिए रानी को श्रद्धांजलि देने उपवास पर बैठेंगे। इस मेले में हर वर्ष रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर ग्वालियर में उनकी समाधि स्थल के सामने बने मैदान में बलिदान मेला आयोजित किया जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय वीरांगना सम्मान भी दिया जाता है, साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। इस बार वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान मणिकर्णिका फिल्म में अभिनय करने वाली अभिनेत्री कंगना राउत को दिया जाना था, लेकिन अब ये नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोरोना के चलते किसी भी तरह का आयोजन नहीं हो सकता। वाले एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। खमाड़ी थाने से फरार हुआ चोरी का आरोपी गिरफ्तार, मामले को लेकर पुलिस की सक्रियता पर उठ रहे थे सवाल। चोरी के मामले में हिरासत से फरार आरोपी को खमाड़ी थाना पुलिस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। कस्बा के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई चोरी का नाबालिग आरोपी 12 जून की सुबह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर थाने से फरार हुआ था। आरोपी के इस तरह थाने से फरार होने के बाद खमाड़ी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। जानकारी के अनुसार आरोपी को तिलीबांधा गली नंबर 2 स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर आरोपी के थाने से फरार होने के मामले में किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल यह आरोपी कस्बा में हुए चोरी के मामले में आरोपी था और उसी संबंध में 11 तारीख की रात को उसे थाने लाया गया था, लेकिन 12 जून की सुबह 8 बजे वह थाने से फरार हो गया था। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर NSUI ने प्रदर्शन किया। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा 16 जून से आयोजित परीक्षाओं को लेकर NSUI छात्र संगठन द्वारा विश्वविद्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। NSUI छात्र संगठन द्वारा सेवा सत्याग्रह के माध्यम से आगामी परीक्षाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संगठन द्वारा सेवा सत्याग्रह के लिए विश्वविद्यालय में सड़क पर झाड़ू लगाते हुए प्राचार्य कक्ष तक विरोध किया। छात्र संगठन का आरोप है कि अन्य राज्यों में भी छात्रों की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश सरकार ऑल इज वेल दिखावे के लिए छात्रों के जीवन को संकट में डाल रही है। NSUI छात्र संगठन द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अभी भी मध्य प्रदेश में परीक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है, इसको देखकर NSUI का प्रदर्शन किया। देखना होगा क्या परीक्षाओं को लेकर सरकार क्या सख्त कदम उठाती है और किन सुविधाओं के अंतर्गत ये परीक्षाएं आयोजित की जाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदी में भोपाल। इंदौर के जिस कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में प्रतिवर्ष लाखों रुपए की राशि शुल्क के रूप में हासिल होती थी, कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार इस वित्तीय वर्ष में यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते चिड़ियाघर में दर्शकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पहले चिड़ियाघर चालू रहने के समय हर दिन करीब 4000 दर्शक वन्य जीवों को निहारने के लिए पहुंचते थे, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष में चिड़ियाघर को 3,30,00,000 रुपए की आय हुई थी। कोरोना वायरस से बचाव के चलते चिड़ियाघर बंद है और नए वित्तीय वर्ष के 2 माह से अधिक का समय बीतने के बावजूद अभी तक चिड़ियाघर का खाता भी नहीं खुल पाया है।
वहीं वन्य प्राणियों को रखने और उनके खाने का खर्चा प्रबंधन को उठाना महंगा पड़ रहा है। गौरतलब है कि हर शनिवार और रविवार को इंदौर स्थित इस कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचने वाले दर्शकों का आंकड़ा 8 से 10 हजार भी पहुंच जाता था। नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों में चिड़ियाघर से मिलने वाली राशि भी शामिल है। हालांकि कोरोना से बचाव के चलते आगामी कुछ दिनों तक चिड़ियाघर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इंदौर एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। काफी दिन बीत जाने के बाद इंदौर शहर के अंदर कोरोना वायरस को लेकर एक राहत भरी खबर मिली है। रविवार के दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अंदर मात्र 6 लोगों के अंदर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में सिर्फ 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि नेगेटिव मरीजों की संख्या 1006 रही। रविवार को 1058 सैंपलों के टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि अब इंदौर जिले में 60213 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 4069 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 176 लोगों की जान भी जा चुकी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने वाले पर रविवार को 101 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था। वहीं अब इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होकर घर जाने वाले की संख्या 3000 के लगभग पहुँच गयी है। वहीं इंदौर जिले में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। 74% के लगभग से इंदौर के अंदर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। करीब 84 दिनों बाद धर्मस्थलों के पट को किया गया अनलॉक। कोरोना महामारी के चलते धर्मस्थलों के पट को किया गया था लॉक। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन के आदेश के बाद धर्मस्थलों को आज खोल दिया गया है। करीब 84 दिनों से बंद धर्मस्थलों के प्रांगण और पटों को आज अनलॉक कर दिया गया है। भगवान और भक्तों के बीच की जो दूरियां थी वो दूरियों का इंतजार आज खत्म हो। जिला प्रशासन के आदेश के बाद धर्मस्थलों के पट को अनलॉक कर दिया गया है। 84 दिनों से लॉकडाउन में धर्मस्थलों के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी लॉक हो गए थे। अब भगवान और भक्तों के बीच की जो दूरियों का इंतजार था 84 दिन का वह खत्म होने जा रहा है। आज से भक्त पूरी श्रद्धा के साथ अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि अब जो भक्त आएंगे वह कई नियमों और पाबंदियों के साथ भगवान के दर्शन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर से पालन करना होगा ताकि कोरोना संक्रमण नहीं फैले। 84 दिनों बाद धर्मस्थलों को खोले जाने से भक्त और भगवान के बीच की दूरियों का इंतजार हुआ खत्म। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से चुनावी मोड में आ चुके हैं। उपचुनाव को लेकर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की धड़कने बढ़ी हुई हैं। इन चुनावों के नतीजे सिंधिया समर्थकों के साथ साथ सरकार का भविष्य भी तय करेंगे। इसी वजह से मुख्यमंत्री खुद चुनावी तारीखों का ऐलान से पहले ही मैदान में उतर गए हैं। आज मुख्यमंत्री ने सांची विधानसभा क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाथ आई सत्ता गवा चुकी कांग्रेस अपने जमीनी चुनावी अभियान की शुरुआत कब और कहां से करती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह दास। जिले में रेत का अवैध परिवहन और संग्रहण भारी मात्रा में चल रहा है और खनिज विभाग यह दावा भी कर रहा है कि उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, मगर बावजूद इसके रेत माफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद है और लगातार वे अवैध रूप से रेत का परिवहन और बेचने का जो काम है वो लगातार उनका जारी है। जांजगीर चांपा जिले में रेत का अवैध खनन और परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जिले के चांपा और सिवरीनारायण में रेत माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। चांपा क्षेत्र में हरदेव नदी के घाटों में तो सिवरीनारायण के महानदी घाट से बकायदा जेसीबी और चेयर मशीन लगाकर सैकड़ों गाड़ियां रेत निकाला जा रहा है और ऊंचे दामों में जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि खनिज अधिनियम में कोई कड़ा प्रावधान नहीं है कार्रवाई को लेकर, जिसके कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। मगर ये सबके बावजूद जो इन रेत माफियाओं पर नरमी बरती जा रही है, इस सबसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनकी साठगांठ इनके साथ है, जिसके कारण इनके हौसले इतने बुलंद हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि जांजगीर। सराफा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की तो उसके बाद शहर अध्यक्ष व विधायक डीआईजी से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के दबाव में एफआईआर करने की बात कही।
इंदौर शहर के विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल व शहर अध्यक्ष विनय वापलीवाल आज डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्री से मिलने पहुंचे थे, जहां पर गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर सरापा पुलिस ने रविवार की शाम एफआईआर दर्ज की थी, जहां पर विनय बाकलीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में जल तेल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है, जो गलत है, जिसको लेकर डीआईजी ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन विधायक व शहर अध्यक्ष को दिया है। गिरफ्तारी देने पहुंचे विधायक शहर अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसको लेकर सरापा पुलिस ने कल रविवार को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद अब डीआईजी ने जांच के आदेश दिए। इंदौर से एक्सपर्ट रिपोर्ट अजय। जबलपुर में इन दिनों रेत माफिया और पुलिस आमने सामने है। एक तरफ रेत माफिया अपनी वाहन रैली निकालकर ताकत दिखा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस फ्लैग मार्च करके लोगों में विश्वास जता रही है। पिछले दिनों रेत माफिया ने बहुत बड़ी वाहन रैली निकालकर पुलिस को चुनौती दी थी। बदले में पुलिस ने सोमवार को फ्लैग मार्च किया ग्रामीण क्षेत्रों में और लोगों में विश्वास जताने की पूरी कोशिश की है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अब कोई अवैध रेत उत्खनन करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब तक पुलिस बड़ी कार्रवाई नहीं करती, तब तक लोगों में विश्वास वापस नहीं आ पाएगा। अरविंद एक्सप्रेस रिपोर्टर जबलपुर। साल में लगभग चलने वाले 84 दिनों के लॉकडाउन में ताल क्षेत्र अपने आप को नहीं रख पाया सुरक्षित। ऐसे में आज पहला कोरोना पॉजिटिव केस निकल के सामने आया, क्षेत्र में फैली सनसनी। ताल क्षेत्र के शासकीय हॉस्पिटल में 9 जून को एक महिला को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने पर उसे परिजनों द्वारा शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया गया। महिला को कोरोना संदिग्ध मानते हुए उसे रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेज स्थित क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात्रि प्रशासन को मिली और उसमें कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद जैसी रिपोर्ट की बात ताल क्षेत्र में फैलती है, आमजन में एक सनसनी से फैल जाती है। प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से अपने आप को एक क्षेत्र में जो बने हुए हैं उनको क्वारंटाइन क्षेत्र में घोषित करता है और वहाँ पे जो भी महिला के संपर्क में आए परिजनों को क्वारंटाइन करता है। अब देखना है कि ताल और अलोट क्षेत्रों को कब तक प्रशासनिक अमला सुरक्षित रख पाता है या कब तक जिम्मेदार नागरिक अपने कर्तव्य को निभाते हैं। अलोट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राकेश नेवाड़ा। शहर को सुरक्षित करने के लिए भाजपा विधायक महेश राय ने अपनी ही सरकार में रिफाइनरी के खिलाफ दिया ज्ञापन। रिफाइनरी के बाहरी मजदूर बीना की होटलों में है क्वारंटाइन। बीना भी कोरोना से लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है और ऐसे में भारत ओमान रिफाइनरी में शटडाउन के चलते सैकड़ों कर्मचारी महाराष्ट्र पंजाब सहित कई प्रदेशों से आ रहे हैं और ऐसे में इन मजदूरों को शहर की होटलों में क्वारंटाइन करना कितना खतरनाक हो सकता है। करीब 150 कर्मचारी नई बस्ती की होटल में क्वारंटाइन भी हैं। कोरोना जैसी महामारी से शहर को सुरक्षित रखने एवं इंदिरा गांधी वार्ड नानक वार्ड के लोगों की शिकायत पर बीना के भाजपा विधायक महेश राय ने अपनी ही सरकार में रिफाइनरी प्रबंधन के खिलाफ दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर के नाम एसडीएम अमृता गर्ग को ज्ञापन सौंप कर बाहरी कर्मचारियों को रिफाइनरी क्षेत्र में ही क्वारंटाइन करने एवं शहर में प्रवेश रोकने की मांग की है। हालांकि एसडीएम का कहना है कि शासन के निर्देशन पर रिफाइनरी प्रबंधन ने बाहरी मजदूरों को बीना की होटलों में क्वारंटाइन किया था। अगर लोगों की आपत्ति है तो ऐसे क्वारंटीन व्यक्तियों के लिए रिफाइनरी क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बीना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशफाक अंसारी। रायपुर बिलासपुर 4 लेन सड़क का काम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन वसूली शुरू हो गई और केंद्र सरकार ने ठेकेदार को परमिशन भी दे दी। काम अधूरा है और अभी भी केंद्रीय सड़क परिवहन प्राधिकरण ने इस तरीके से जो रायपुर बिलासपुर 4 लेन की सड़क जो ठेकेदार है उसको टोल प्लाजा बनाकर वसूली के लिए अधिकृत कर दिया है। ये साफ तौर पे एक तरीके से जिस तरीके से इसमें मामले में हाईकोर्ट भी नाराजगी जता चुका है और कई बार नाराजगी जता चुका है कि सड़क का काम पूरा करना है। जो सड़क बनी है वो पूरी केंद्रीय सरकार के निर्देशन में बनी है और उनके मापदंड पे उनके गाइडलाइन पे बनी है, लेकिन सड़क की क्वालिटी घटिया है और घटिया के अलावा अभी भी सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो है केंद्रीय सड़क प्राधिकरण ने इस मामले में ठेकेदार को वसूली के लिए अधिकृत कर दिया है और वो लोगों से मनमानी शुरू कर रहे हैं। ठेकेदार के कर्मचारियों से इस मामले में जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि केंद्रीय सड़क परिवहन के लोगों ने उनको वसूली के लिए यहाँ पर टोल प्लाजा बनाने के लिए अनुमति दी है, उसके तहत वो यहाँ वसूली कर रहे हैं। लेकिन जब घटिया काम हो और लोगों को जब राहत ना हो तो फिर ऐसी जब सुविधा ही नहीं है पूरी तो ऐसे में वसूली का क्या उचित है। रायपुर बिलासपुर 4 लेन सड़क में टोल प्लाजा शुरू हो गया और इनकी वसूली भी मनमानी रूप से शुरू हो गई है। केंद्रीय प्राधिकरण सड़क प्राधिकरण ने इस मामले में ठेकेदार को बिना सड़क बने ही वसूली की अनुमति दे दी है। बिलासपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर में मानसून आती है और पहली बारिश ही जगदलपुर शहर के नगर निगम की पोल खोल देती है और बारिश से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। दरअसल जगदलपुर शहर के 48 वार्डों में से ऐसे कई वार्ड हैं जो बारिश में जलमग्न हो जाते हैं।
ऐसा ही एक वार्ड गंगानगर वार्ड है जहां पिछले साल लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी और वार्डवासियों के घरों में कमर तक पानी भर गया था। साथ ही कई लोगों के घर भी बारिश में ढह गए थे, जिसका सबसे बड़ा कारण लगातार बारिश होना तो था ही पर कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही भी थी, क्योंकि गंगानगर वार्ड गंगा मुंडा तालाब से लगा हुआ है और पिछले साल की बारिश में तालाब पूरी तरह से भर गया था और तालाब में पानी निकासी के लिए एक ही रास्ता है और उस रास्ते में बनाई गई नाली तालाब के निकासी के लिए काफी छोटा है। कोरोना के चलते कई निर्माण कार्य हुए हैं तो कई निर्माण कार्य अधूरे हैं और ऐसे में बारिश को लेकर नगर निगम की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। ग्राम बकाओ में दो युवाओं की मौत के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा है अवैध उत्खनन। आपको बता दें कि निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा किनारे बड़वा से रावाखेड़े बकाओ तक होने वाले रेत उत्खनन के चलते खदान धंसने कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं के बाद भी खनिज विभाग आंखे मूंदे बैठा हुआ है, जबकि अवैध उत्खनन की रोकथाम को लेकर हमेशा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग सक्रिय नजर आता है, जिसके चलते विगत कई सालों से खनिज विभाग की तुलना राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने कई ट्रैक्टर ट्राली सहित भरे डंपरों की कार्रवाई कर दंड वसूला है। साथ ही विगत माह पहले साथी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अवैध उत्खनन करने के दौरान करोड़ों रुपए की पेनल्टी वसूली की थी, जिसके बाद भी आज तक उत्खनन जारी है। अवैध उत्खनन के दौरान मौतों का सिलसिला कब तक रुकेगा और खनिज विभाग इसमें कब तक एक्शन लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन बड़वा। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।